नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और मेरा यूट्यूब चैनल सूरज मैकेनिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था, सो देख सकते हैं यह वोल्वो 300 DL है, वोल्वो का एक्सीवेटर। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सो जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो एक इसमें फॉल्ट आ रहा था। सो मैं इसको दिखाने वाला हूँ। सो पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया था ये प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, उसी का चलते ये वीडियो है। सो देख सकते हैं ये सब कुछ ओके है, मार रहा चल। सो जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट थोड़ा लॉन्ग क्रैंकिंग लेके हो रहा है। जैसे ही RPM देते हैं हम लोग इसमें, सो ऑटो आइडल हो जाता है, हजार का आसपास RPM में रुक जाता है। सो RPM दिया, अभी देख सकते हैं इसको। सो देख सकते हैं टर्न ऑफ इंजन फ्यूल इंजेक्शन, तो ये इसमें आ रहा था फॉल्ट। सो जो बी मॉडल है उसमें तो 96.1 128 PSID एरर कोड आता था। सो सेम प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। सो इसी को सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, सो इसका इंजेक्टर खोल के भेजा हुआ था मैंने यही फॉल्ट के लिए। सो इसका इंजेक्टर ख़राब हो गया था, सो आज इंजेक्टर लगाने वाले इसका। सो इंजेक्टर बन के आ गया, ये देख सकते हैं, ये 300 DL का इंजेक्टर है। सो सबसे पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं, देख सकते हैं पूरा मट्टी है इसमें, इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। सो फ्रेंड, ये 6 इंजेक्टर बनाने में 66,000 लगा है। एक नया इंजेक्टर का दाम बॉस का दाम है, जो बॉस का इंजेक्टर आता है इसका, उसका 55,000 के आसपास है। और जो वोल्वो का आता है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही दाम है इसका, 70 के आसपास है। सो इसको क्लीन जितना हो सका कर लिया मैंने, सो इंजेक्टर का होल और बोल्ट का होल जितना हो सकता क्लीन कर लिया। बहुत गंदा था इसको क्लीन कर लिया। सो अभी इंजेक्टर लगाने वाले हैं फ्रेंड्स इसमें। सो अकेला हूँ इसलिए सब कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं ये। सो फ्रेंड्स, इंजेक्टर में डाल दिया हमने, ये देख सकते हैं, इसको जगह में बिठा दिया है जहाँ जहाँ लगता है। सो इसका बोल्ट टाइट करके लेते हैं, अभी देख सकते हैं इंजेक्टर इसका इस टाइप से बैठता है यहाँ पे। सो इसको खोलने के लिए कमोंड्रल ये सब खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, कमोंड्रल वाटर टैंक किसी को चीज़ को खोलने का दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सो इजीली खुल जाता है। सो ऑल राइट, सो इसको टाइट कर दिया फ्रेंड्स, जो इंजेक्टर है इसको टाइट कर लिया। अभी इसका हाई प्रेशर का पाइप लगाएंगे, जो इंजेक्टर का पाइप है 6 पाइप है, इसको लगाएंगे। सो देख सकते हैं ये इंजेक्टर का पाइप लगा दिया मैंने। सो अभी इसका वायरिंग लगाना बाकी है, सो इसको वायरिंग भी लगा देते हैं। ये दो वायर है, ये दो वायर इधर का उधर लगने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दो टच होना नहीं चाहिए, खाली दो वायर आपस में टच होना नहीं चाहिए। सो इसको लगा देते हैं सबसे पहले। सो 300 का इंजेक्टर और 210 का इंजेक्टर सेम नहीं रहता फ्रेंड्स, दिखने में सेम रहेगा, मतलब वो मतलब लगाने से मैच नहीं होगा। ये इसका इंजन का हॉर्स पावर ज़्यादा है और बी का जो 210 रहता है उसका कम रहता है।
तो फोर सिलेंडर वाला डी मॉडल आता है उसका भी इंजेक्टर 210 बी में नहीं रहता, मतलब इंजेक्टर बी का बी में लगेगा, डी का डी में ही लगेगा, और 300 का 300 में लगेगा, तो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जब भी इंजेक्टर ख़राब हो मंगाने से उसका पार्ट नंबर देख के वॉल्वो से उस टाइप से ही मंगाना होगा पार्ट नंबर देख के, तो बाहर से खरीदेंगे बी का देते का फिर बहुत सारा परेशानी आता है। तो इसका वायरिंग लगा लेते हैं, तो फ्रेंड जितना भी बाहर का गाड़ी और मशीन है उसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होने से डिस्प्ले में फॉल्ट कोड आ जाता है। तो हम लोग का भी टाटा अशोक लेलैंड ये सब गाड़ी में भी वो सिस्टम होने से बहुत अच्छा था, शायद आएगा आगे, एक दो गाड़ी में आ भी चुका है, तो फिर स्कैन करने का कोई झमेला नहीं रहता, कोई दिक्कत स्कैन करने का कोई दिक्कत नहीं रहता, तो ऑटोमेटिक शो हो जाता डिस्प्ले में, मतलब डैशबोर्ड में। सो इंजेक्टर वायरिंग सब लगा दिया, अभी इसका हवा निकालेंगे फ्रेंड्स। सो सब पाइप ढीला करने का जरूरत नहीं है, फिर भी कर दे रहा हूँ, एक पाइप कोई भी ढीला कर दीजिए, सो एक ही पाइप में डीजल आएगा प्रेशर, जो ज़्यादा ढीला रहेगा उसी में प्रेशर ज़्यादा आएगा, बाकी में तो नॉर्मल प्रेशर आएगा फ्रेंड। तो इसका एयर निकाल लेते हैं, इसका टंकी डीजल टैंक और जितना फ्यूल लाइन है उसको टोटली क्लीन करके ले लिया मैंने। लंबा मरक आ रहा है धीरे धीरे डीजल। तो आ गया प्रेशर भी, ऑल राइट फ्रेंड्स, मशीन भी स्टार्ट हो गया एक ही सेल्फ में। सो अभी कोई दिक्कत नहीं है मशीन में, थोड़ा देर सफ़ेद धुआं मारेगी, इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। जब इंजेक्टर खोलते हैं तो उसमें जो रिटर्न का डीजल रहता है वो थोड़ा बहुत घुस जाता है पिस्टन में, इसलिए थोड़ा देर वाइट स्मोक मारेगी, उसका बाद अपने आप बंद हो जाएगा। और जो डी मॉडल में एरर कोड आता है, एरर कोड नहीं आता फ्रेंड्स, डी मॉडल में डायरेक्ट स्टॉप इंजन फुल इंजेक्शन करके कोई सैंपल आता है, तो दोनों का मतलब सॉल्यूशन एक ही रहेगा इंजेक्टर का। सो सबसे पहले डीजल लाइन देख लेना है क्लियर, डीजल लाइन कैसा है, उसका बाद इंजेक्टर तक जाइए, नहीं तो डीजल लाइन में फॉल्ट रहेगा, फिर इंजेक्टर खोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी इसका ऊपर का जो प्लेट व्लेट है उसको लगा देते हैं, उसका बाद में मशीन को चालू करेंगे, देखेंगे ट्रेस करके कैसा है, आरपीएम लोड कैसा है सब चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स मशीन को कर दिया ओके, टोटली जो जो खुला हुआ था लगा दिया, तो उसको लोड टेस्ट तो अभी करने पाएंगे, थोड़ा दूर मार्चिंग होकर जाएगा मशीन। तो इसका आरपीएम देख लेते हैं कितना है, तो आरपीएम 1700 से 1800 तक जा रहा है, ओके है। इसी 300 डीएल, तो ओके है, मशीन रेडी हो गया, कोई एरर कोड भी नहीं आ रहा इसमें अभी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करिए, ऐसा ही न्यू मॉडल गाड़ी और मशीनों का वीडियो देखने के लिए, ओनली कौन न्यू मॉडल गाड़ी और मशीन का ही वीडियो लाता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।